नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। तारा चलती क्या 9 से 12। चल माँ फटाफट अपने बेटे को आशीर्वाद दे और अपने हाथ में 100 का नोट रख दे। क्यों 100 का नोट क्यों? देख माँ, तेरे आशीर्वाद से मुझे नौकरी मिल जाएगी और नोट से छोकरी पड़ जाएगी। और क्या हुआ माश, तुम भी बिल्कुल बॉबी लग रही हो। चल बदमाश। और अगर इस हैंडसम बेटे पर किसी लड़की का दिल फिसल गया और वो लड़की भी मुझे जच गई तो चंद प्यार की बातें करने के लिए कॉफी तो पीनी पड़ेगी, पर कॉफी के लिए नोट की भी जरूरत होती है। अच्छा भाई ये ले और जल्दी से नाश्ता कर ले। बस माँ मेरा नाश्ता तो हो गया, मैं जरा पिताजी से मिला हूँ। वैसे एसीपी साहब का मूड कैसा है? मगर तुम्हें जरूरत क्या थी फाइल यहाँ वहाँ रखने की? नहीं साहब मैंने सोचा। तुमने ऐसा सोचा क्यों? कुछ भी मन में आया सोच रही थी वो। डैड इधर आओ। अच्छा इंटरव्यू के लिए जा रहे हो? जी। लेकिन तुमने शर्ट कैसी पहन रखी है? जी वो आप भी बस, क्या खराबी है शर्ट में भला? अच्छा तो लग रहा है। ऐसी खराब भी नहीं लग रही है, मैं तो सिर्फ शर्ट के कलर के बारे में बोल रहा था। एक मिनट ठहरो, इसके साथ टाई लगाओ। माँ फिर? हाँ ये कलर अच्छा रहेगा। बटन बंद करो। जी। विशाल कपड़ों से ही आदमी का पहला इंप्रेशन पड़ता है और उसके पहनावे से ही उसके आचार विचार और उसकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। थैंक यू डैड। बेस्ट ऑफ लक। ओके मम्मी। ऑल द बेस्ट बेटे। समझाया अपने लाडले को इंटरव्यू में अपने गुस्से पर काबू रखे, हर किसी से झगड़ा मोल ले लेता है। आप ही पर गया है ना, वैसे कितना हैंडसम लग रहा है। बेटा किसका है? ओहो इसकी भी पूरी क्रेडिट आप ही लेंगे क्या? अरे बैठो उधर यार, क्या घड़ी घड़ी पानी मांगते हो, यहाँ तो पानी का शॉर्टेज है। अरे भाई साहब कब तक आएंगे? कितना टाइम बोलेगा तुमको, बैठो उधर जाकर। क्या इला खाली पीली दिमाग खाता है, जब साहब तुमको मिलना नहीं चाहता है तो काय के लिए यहाँ कर रोजाना धरना देता है? ये क्या फ्लोरा फाउंटेन है? ये क्या हो रहा है? साहब सुनिए, आप मुझे 3 दिन से बिठा कर टाल रहे हैं। इस कंपनी में मैंने जिंदगी के 35 साल गुजारे हैं, इस कंपनी में पसीना लगा है मेरा, और आपने मुझे बड़ी आसानी से उठाकर फेंक दिया। आपके भाई साहब होते तो मुझे इस तरह नहीं निकालते। देखिए गुप्ता जी, यहाँ काम करने वालों की जरूरत है और मैं किसी को बिठाकर सैलरी नहीं दे सकता, फिर आपको बराबर दिखाई भी तो नहीं देता। देखिए खन्ना साहब, मैंने नया चश्मा बनवा लिया है, अब मुझे किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मेरी 2 जवान बेटियां हैं, मुझे कुछ दिन और नौकरी।
आप मेरा टाइम खराब कर रहे हैं। आपके लिए जो करना था मैं कर चुका हूँ। बाबू इन्हें बाहर निकालो। जी साहब, पहले बोला था ना मैं आपको। चलो, चलो, चलो बाबू, मुझ जैसे लोगों को कंपनी से निकाल कर कंपनी के हाथ पांव काट रहे हो आप। ये ठीक नहीं कर रहे हो कन्ना साहब, ये ठीक नहीं कर रहे हो। मिस्टर विशाल चौधरी, आज इस मंच पर जिन बच्चों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं वो हमारे देश की बुनियाद की ईंटें हैं। बच्चों, हम आपको एक बच्चे की बहादुरी की सच्ची घटना सुनाते हैं। शहर की एक बस में बहुत से लोग सफर कर रहे थे। अचानक एक गुंडे ने बड़ा सा चाकू निकालकर एक महिला का मंगलसूत्र छीनने की कोशिश की। बस के अंदर एक बच्चा ये सब कुछ देख रहा था। उसने अपना टिफिन कैरियर लेकर उस गुंडे के सर पर मारा। गुंडे के हाथ से चाकू छूट गया और बस के लोग जो थे उन्होंने गुंडे पर काबू पा लिया। इस तरह से उस बहादुर बच्चे ने उस महिला का मंगलसूत्र लूटने से बचा लिया। वो लड़का है मनीष सावंत। अच्छा ये बताओ, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आप जैसा ऑफिसर बनूंगा और सब गुंडों की छुट्टी कर दूंगा। मिस्टर चौधरी, मैं किसी फंक्शन में जाने के खिलाफ नहीं हूं, मगर इस वक्त जब हमारे पुलिस डिपार्टमेंट पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं, स्टेज पे मालाएं पहन के खड़े होना, लोगों की तालियां सुनना, ये सब कुछ ठीक नहीं लगता। लेकिन मैं वहां कोई माला पहनने के लिए नहीं गया था सर, और ना ही कोई मेडल या शील्ड लेने के लिए। मैं तो सिर्फ बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। हेलो, मिसेस बरूचा। ओह हाँ, मिसेस बरूचा, हाँ, कैसी हैं आप? अरे जी, मैं ब्यूटी पार्लर के इनॉग्रेशन में क्या करूंगा, मेरी श्रीमती तो आ रही है ना। ठीक है मिसेस बरूचा, मैं भी आ जाऊंगा। मगर डैडी, मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, मुझसे ये सब देखा नहीं चाहता। क्या देखा नहीं जा रहा है बरखुरदार? आप समझते क्या हैं अपने आप को? देखो, जरा अपने मिजाज में थोड़ी सी नरमी लाओ। सही दुनिया से पहचान तो अब होनी है तुम्हारी। जब किसी काम धंधे में जुटोगे ना, तब बात समझ में आएगी। वाह, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। हो गई क्लास सुबह सुबह। माँ, ये डैडी मुझे समझते क्या है, उनका बेटा हूं या बहू? अरे जब इस दुनिया में आया हूं तो सब कुछ देख ही लूंगा। जब देखो भाषण देते रहते। विशाल, अरे मर गया मैं। विशाल, यहां मेरी फाइल पड़ी थी। जी जी डैडी जी। ओ ठीक है, जाता हूं। अच्छा अच्छा हुआ चले गए, वरना मैं तो इन्हें बोलने ही वाला था। मैं क्या डरता हूं इनसे? नहीं नहीं, वो डरते हैं तेरे से। और क्या? वैसे मेरे 100 के नोट का क्या हुआ, किसी को कॉफी शॉफी पिलाई कि नहीं? अरे कहां माँ, न नौकरी मिलती है न छोकरी। चुप कर, जोड़े तो ऊपर से बनकर आते हैं, तेरे लिए भी कोई सुशील सुंदर गुड़िया जैसी लड़की होगी। हे प्रभु, हे प्रभु, हे भगवान, हे भगवान, मुझ पर कब नजर डालोगे? मेरी भक्ति का फल कब मिलेगा मुझे? हे दाता, सिर्फ एक मौका दे दीजिए, अच्छी अच्छी हीरोइनों की छुट्टी कर दूंगी। ओम श्री देवानंद जी नमः। देख रही हो, ये फिल्मी भूत ले डूबेगा इसे, परेड करवा देगा इसकी। अरे इससे कहो कि 2 मिनट भगवान के सामने हाथ जोड़े। संभल जाएगी, अभी उम्र ही क्या है उसकी। उम्र ही क्या है, ये क्या है? मोहिनी का नाश्ता। ये नाश्ता है? ये उबले हुए आलू और ये, और गर्म पानी में नींबू शहद के साथ। इन दिनों मैं डाइटिंग पर हूँ। वो क्या है ना डैड, हम आर्टिस्ट लोगों को अपने फिगर पर ध्यान रखना पड़ता है। मगर खाना क्यों छोड़ दिया? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, अचानक इसने खाना पीना छोड़ दिया।
मैं तो कहती हूँ किसी डॉक्टर के पास ले चलो इसे। मेरी मत मारी गई जो इसे डॉक्टर के पास ले जाऊँ। अरे ये तो किसी अच्छे भले डॉक्टर को बीमार कर दे। डैडी मैं एक बात सोच रही थी, कितना अच्छा होता किसी नर्सिंग होम में सेठ करोड़ीमल जैसे करोड़पति की बेटी से मैं बदल जाती, जैसे फिल्म भाग्यवान में। मैं वहां पल रही होती, बंगला गाड़ी नौकर वाह, और वो यहां आपके इस घर में। बस मैं चला, आप तुम ही झेलो इसे। डैडी एक 200 रुपए दे दीजिए ना। ये 200 रुपए तू तेरे उस सेठ करोड़ीमल से ले लेना। दे दीजिए ना डैडी, ब्यूटी पार्लर जाना है। नहीं, और तू जो लोगों से ये कपड़े मांग मांग कर पहनती है तुझे शर्म नहीं आती? अच्छा है ना, फेस मसाज करवाना है डैडी, पैसे दो ना। चुप कर, मैं कोई रिश्वतखोर पुलिस वालों में से नहीं हूँ जो 1400 की तनख्वाह में 200 रुपए फेस मसाज को दे दूँ। सुनिए, दिल मत तोड़िए इसका, ये मेरी चूड़ियां लीजिए और इन्हें गिरवी रखकर इसे 200 रुपए दे दीजिए। नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं माँ, ये चूड़ियां रहने दो, मैं ही कोई रास्ता निकाल लेती हूँ। ये क्या बक रही है? कुछ नहीं, सपना देख रही थी ना। अरे देख, तू कोई नई मुसीबत मत बोल लेना, मैं हमेशा डरा हुआ रहता हूँ कहीं तुम्हारी वजह से मेरी जूनागढ़ ट्रांसफर ना हो जाए, और मैं इस उम्र में जूनागढ़ जाना नहीं चाहता। ड्यूटी बजाना तो बात की बात, पहले इस जगह की अहमियत को समझिए। अच्छा हुलिया बना रखा है इस पुलिस स्टेशन का, और ये फाइलें कैसे रखी है? सर ये मैं अभी ठीक करवा देता हूँ। बहुत शर्मनाक है ये सब, इसे साफ करवाइए। ये क्या है? FIR का रजिस्टर है ये, इसमें रिपोर्ट दर्ज करते हैं आप। देवकी नंदन जी, मैं 2 बार आपकी ट्रांसफर रोक चुका हूं, इस बार सीधा आपको जूनागढ़ भेजूंगा, जूनागढ़। जानते हैं एसीपी साहब मुझे बार बार जूनागढ़ ट्रांसफर करने की क्यों धमकी देते हैं? उन्होंने मेरे बाप की फाइल पढ़ ली है, और मेरे बाप ने डाकू भूपत को मरवाया था, और डाकू भूपत का पोता मेरे लिए जूनागढ़ में वेट कर रहा है। अगर मैं जूनागढ़ गया तो मेरे, मैं सिर्फ जूनागढ़ जाऊंगा, आऊंगा नहीं। अब आपका काम भी मुझे करना पड़ेगा। समझते क्या आपने? हाय, मुझे जरा आगे तक छोड़ देंगे प्लीज? हाँ हाँ बैठिए ना, आइए ना, आप ही की तो गाड़ी है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ से राइट ले लीजिए। हाँ घबरा हूँ मैं, लेफ्ट, मैंने तो राइट कहा था। हाँ, कोई बात, ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? चुपचाप बैठी रहे। हाँ ये तो गलत गाड़ी में लिफ्ट ले ली। भाई साहब आप मुझे आगे उतार दीजिए ना प्लीज, वो देखिए मैं, आप मुझे साइड पे उतार दीजिए ना। अरे घबरा हूँ मत, अपना घर समझो। छोड़ो मुझे, कॉल आ रही है। ओहो भाई साहब छोड़ दीजिए ना मुझे प्लीज, मैं आपकी बहन जैसी हूँ ना। लेकिन मैं भी तो तेरे मर्द जैसा हूँ ना। तू नहीं मानेगा साले। अरे भाग के कहाँ जाएगी, आज तो मेरा 2500 रेप है, डुबली बनाऊंगा डुबली। अरे बचाओ,
कुमार तेरी डोर मम्मी आकुल आकुल चल चल क्या हुआ? वाह, कितने सही टाइम पे एंट्री मारी, बिल्कुल फिल्मों की तरह। तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ रेप हो रहा था? पास ही खड़े थे क्या? आप मेरी छोड़िए, पहले ये बताइए कि इस वीराने में क्या कर रही हैं? मैं यहाँ खुद नहीं आई, मुझे यहाँ पर लाया गया। वो क्या है, मैंने उसे लिफ्ट ली थी ना, और चलो भगवान जो भी करता अच्छे के लिए करता। और वैसे भी हीरो हीरोइन के टकराने की कोई ना कोई सिचुएशन तो बनती है ना हर फिल्म में। ये सिचुएशन जब भी आई है हिट रही है, हिट रही है ना। अच्छा चलो मुझे अभी फटाफट घर छोड़ दो और चलकर एक कप चाय पी लो और मम्मी से मुलाकात करो। लगता है सर फिरी है। सोच क्या रहे हो, चलो बाबा। फिर कभी फुर्सत नहीं। ऐसे मत करो, मैं घर कैसे जाऊंगी? लिफ्ट लेके चलिए। अरे ये तो जा रहा है, ऐसा तो कभी नहीं होता। मगर ये मोश तुझे आई कैसे बेटी? अरे माँ ये तो कमाल हो गया, बिल्कुल फिल्मों की तरह। एक लड़की सड़क पर किसी से लिफ्ट मांगती है, गाड़ी रुकती है, लड़की गाड़ी में बैठती है और लिफ्ट देने वाले उस आदमी की नीयत बिगड़ जाती है, आउच, और लड़की उसके इरादे को भांप जाती है माँ, और वो गाड़ी से उतरना चाहती है कि उसने हाथ पकड़ा। मगर ये सब हो रहा था तो तू वहां क्या कर रही थी? वो लड़की मैं ही थी माँ। फिर नई स्टोरी। हे भगवान, फिर एक जगह वो लड़की उस विलन के चंगुल से बच निकलती है, विलन उसके पीछे भागता है और भागते भागते एक जगह उसे दबोच लेता है। फिर एंड वक्त पर एक हीरो की एंट्री कैमरे के सामने होती है और उसके बाद तेज धनादन डिशुम 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 उस विलन की छुट्टी कर देता है माँ। क्या हीरो था, ये तो भगवान ने ही उसे भेजा होगा, नहीं तो आज हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। बिल्कुल माँ, वरना कल के पेपर में हेडलाइन होती कि हेड कांस्टेबल देवकी नंदन शर्मा की बेटी के साथ बला 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 बलात्कार। तू ये हरकतें करना बंद कर दे वरना मैं अखबारों में छपवा दूंगा, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। ऐसा ना कीजिए, अभी बचपना है इसमें, उम्र क्या है इसकी, एक ही तो बेटी है हमारी। अरे एक ही तो भूल की है मैंने, 19 साल से एक ही डायलॉग सुनता आ रहा हूँ तुम्हारा, अभी तो उम्र ही क्या है उसकी, अभी तो उम्र ही क्या है उसकी, अभी तो उम्र। बेटी तुझे उस लड़के को घर लाना चाहिए था। बड़ा अजीब लड़का था माँ, वो भावी नहीं दिया मुझे, वरना ऐसी सिचुएशन में तो हीरो हीरोइन को जरूर घर तक छोड़ने आता है। मुझे खुद बस पकड़ के आना पड़ा, मगर तू फिक्र मत कर माँ, दोबारा फिर टकराएगा मुझसे। अरे माँ अभी तो उसे मेरे साथ गाने वाने भी तो गाने हैं। Thank you.
कुकुड़ू कुड़ू। क्या ये कोई नया भक्ति गीत है बेटी? कुकुड़ू मेरा। हाँ पुजारी जी, मगर आप इसे नहीं समझ सकते। इसे समझने के लिए मन में उमंग होनी चाहिए, प्यार की तरंग होनी चाहिए और उम्र की पतंग होनी चाहिए। पुजारी जी, मेरी जिंदगी में एक जबरदस्त हीरो की एंट्री हो चुकी है। अब बस फटाफट अपने भगवान से कहकर कुछ चक्कर चलवा दो ना प्लीज। आज सोमवार का दिन है, तुम 7 सोमवार आकर लगातार यहाँ पूजा करोगी तो जरूर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। सच? प्रभु की महिमा पर शक नहीं करते बेटी? सॉरी। अरे वाह, ये तो पहले सोमवार ने ही असर करना शुरू कर दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। अच्छा, अकेले? नहीं, माँ के साथ, लेकिन वो अलग आती है। अलग क्यों? वो यहाँ बहू मांगने आती है और मैं नौकरी। ओ, माँ जी की मनोकामना तो पूरी हो गई, बहू तो समझो मिल ही गई। मैं अपने सोमवार तुम्हारी नौकरी के लिए रखूंगी। एक मिनट, बहू मिल गई मतलब? हाँ, मैं। क्यों पुजारी जी, हमारी जोड़ी कैसे लग रही है? नारी कितनी लज्जाहीन हो गई है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सुना, मैं राधा तुम किशन, चलो कहीं चलकर बैठते। मैंने मुझे एक जरूरी फोन करना है। अरे कुछ अता पता टेलीफोन नंबर? मेरे डैडी एसीपी चौधरी है। तुम्हारा टेलीफोन नंबर तो मैं ढूंढ ही लूंगी। हाँ जरूर मिलूंगा। हाँ विजय भाई, अबे जल्दी करना यार। दो मिनट के आधा घंटा हो गया। हेलो। फौरन इलाज कीजिए, बचाइए इसे। मगर हुआ क्या इसको? पता नहीं कौन लोग थे, गाड़ी में आकर कुचल कर चले गए। बचाइए इसे डॉक्टर। एक्सीडेंट का केस है। गुप्ता पुलिस स्टेशन को फोन करो। डॉक्टर पुलिस के आने तक ये आदमी मर जाएगा। मगर इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या कर रहे हो विशाल, छोड़ दो इसे। देखो ये भी इंसान है, इसके अंदर भी जान है। ये मर गया, ये मर गया। विशाल, देखो जो तुमसे गलती हुई है उसे मानो। हाँ, मुझसे गलती हुई है। एक आदमी मेरे सामने लहूलुहान तड़प रहा था, मुझसे गलती हुई उसे अस्पताल पहुंचाकर। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना विशाल? हाँ माँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस आदमी को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था, जैसे लोगों ने मेरे भाई को छोड़ दिया था, है ना डैड? अगर मेरी जैसी गलती किसी और ने की होती तो आज मेरा भाई मरता नहीं, जिंदा होता वो। ये कहना तो मुश्किल होगा कि यह आदमी बाबा खान का था या मन्ना शेट्टी का। चेहरा तो इसका तेजाब से चला गया सर। वो दूसरी लाश किसकी थी? उसका नाम वामन चौरसिया है सर, पास की शांतिनगर झोपड़पट्टी में रहता है। उसके रिश्तेदारों को खबर कर दी है? सर सिर्फ एक ही बेटा है उसका, जो कूपर हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा हुआ है। उसी के लिए दवाइयां लेने जा रहा था, रोड क्रॉस किया। और ये देखो, ये बाबा खान और मन्ना शेट्टी के बीच में जो पकड़ा है ना? यस सर। ये सब उसी का नतीजा है। यस सर। इसलिए दोनों के आदमियों पर कड़ी नजर रखो। राइट सर। अरे सेठ को बुलाओ, कोई मर जाएगा, मैं सेठ को बुलाओ। अरे रोता कह रहे रान के जैसा, कुछ नहीं होगा तेरे को, चुप करके बैठ एकदम, लड़की की तरह रोता है। ए भाई सेठ को बुलाओ, देख मर जाएगा, अपन सेठ को बुलाओ। बड़ी बंदा खुलो। मर गया रे,
गोली निकाल दी है, अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन पैर में रॉड बिठाना पड़ेगा। अब ये चल फिर नहीं सकेगा। मतलब लाइफ में मोमेंट नहीं तो कुछ नहीं। सेठ जी, सेठ जी मुझे बचाओ सेठ जी। नहीं बाबा नहीं, घबराने का नहीं, सब टाइम एक जैसा नहीं होता, ये सब नेचुरल मोमेंट है। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, फिर मॉर्निंग, सब टाइम टू टाइम रोलिंग होते रहता है। आदमी को एक एक मोमेंट फेस टू फेस करना चाहिए। तुमने मसूद के चेहरे पे एसिड डालकर बहुत बड़ा काम किया है, अब पुलिस के मूवमेंट का कोई खतरा नहीं। बाबा तेरे 7 साल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन खेरवाड़ी में कांस्टेबल शर्मा का पहला मर्डर, 19 नवंबर को अरेस्ट हुआ, 3 दिन का रिमांड और 23 नवंबर को जमानत। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन शर्मा का फाइल बंद। इस पहले मूवमेंट के बाद 7 मर्डर बिना किसी फॉल्ट के होशियारी से किया। बब्बा गवर्नमेंट जॉब मिलने का एज 25 साल, पीरियड 30 साल और रिटायरमेंट 55 में। मगर हमारे धंधे में ना जॉब मिलने का टाइम फिक्स है ना रिटायरमेंट का। मैं तेरे को रिटायर करता हूँ। नहीं सेठ जी, सेठ जी मुझे माफ कर दो, सेठ जी मुझे माफ कर दो सेठ जी। नहीं बाबा, मैं तुमको टूटे फर्नीचर की तरह कोने में रखा नहीं देख सकता। नामर्दों की तरह मैदान में पीठ दिखाकर वापस आया हराबी साला। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, अरे ये तो ऐसा मर्द था जो सिर्फ औरतों के अखाड़े में लंगोटा बांध के उतरता। आज इस हराम शादे की वजह से वो मन्ना शेट्टी अपने सीने को ठोकता होगा ऐसे ऐसे ऐसे। वो समझता है कि वो खान से टक्कर लेगा, खान से जिसने उसको इस शहर में पहली रोटी खिलाई, उससे टक्कर। क्या बोलता तुम मना, क्या बोलता तुम हा? हा? ये गोलीबारी या खून खराबा क्या मिलने वाला तुमको इससे? इचिन तुकुन पाना। ए अंकल, मन्ना को सिखाने का नहीं, हमको सब पता है, इन्हें को पूरा गोतुंडो। क्या पता तुमको हा? इचिन गोतुंडी का आज इसको गोली मारा, कल इसको गोली मारेगा, कल अपने भाई को गोली मारेगा तुम। हाँ मार देगा। ये सब धंधे के एंट्री से पहले मैं सब लोगों को फेस टू फेस बोला था। ए मन्ना तरे समय जा मरला आतना, तुम सबको गोली मार देगा, पागल होगा तुम पागल। ए अंकल अभी मुंह बंद रखने का, नहीं तो मैं तेरे को गोली मार देगा। मन्ना शेट्टी एक ही बात जानता है, क्राइम वर्ल्ड के हर चैनल का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में होना चाहिए। अरे पार्वती, वो मैंने ट्रांसफर रुकवाया था, उसके पेपर कहां पे? मोहिनी की डायरी 629029, नंबर तो जाना पहचाना लगता है। दत्ता मैटरनिटी होम, नहीं मोहिनी की तो शादी भी नहीं हुई अब तक। 629029, ये तो चौधरी साहब के घर का नंबर है। चौधरी साहब के घर का नंबर मोहिनी की डायरी में। डायरी कितने बार कहा ये मेरी पर्सनल डायरी है, आप भी ना। लेकिन चौधरी साहब का नंबर तुम्हारी डायरी में कैसे आया? सुन मोहिनी, हेलो हेलो विशाल है घर पर? आप कौन बोल रही हैं? वो मैं वो मैं समझ गई। विशाल आया माँ। फोन है तुम्हारा? कौन है माँ? पता नहीं, कोई वो है। वो हेलो क्या हाल है जानी? क्यों तुम सोच रहे ना कि ये नंबर मुझे कहाँ से मिल गया? हाँ, सब हो जाता है, बस मोहब्बत का नशा सर चढ़ जाना चाहिए। माँ पुरानी सहेली है, बहुत अच्छी सहेली है। हेलो। क्यों आंटी पास ही खड़ी है क्या? नहीं नहीं बैठी हैं। तो क्या हुआ, तुम उनको बता दो कि तुम अपनी जानशी जाने जिगर जाने मन से बात कर रहे हो। हाँ, वो तो है वो तो है। हाँ हाँ हाँ
हुआ क्या? सुनो देखो, अपने प्यार की गाड़ी जमाने के रफ्तार के साथ दौड़ानी होगी, इसीलिए फ्यूचर के प्रोग्रेस के बारे में एक इमरजेंसी मीटिंग बहुत जरूरी है। वो माँ एक बुक के बारे में पूछ रही है। हाँ वो बुक मैंने किसी को दे दी है, पता नहीं। हाँ पता लगाता हूँ, हाँ बताता हूँ मैं। बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें उसी जगह मिलूंगी जहाँ हम पहले मिले थे। वैसे ये बुक कोई लव स्टोरी तो नहीं? ऐसी किताब पढ़कर ही तो इतना पसीना आता है। चल बदमाश। क्यों, अपना फटाफट फॉर्मूला काम आया कि नहीं? कैसा फॉर्मूला? देखो ना, चंद मुलाकातों में ही हम एक दूसरे के कितने करीब हैं, वरना यहाँ तो सालों लग जाते हैं नजरें मिलाने में। हाँ कहती तो तुम ठीक हो। हाँ और वैसे भी प्यार मोहब्बत को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए। पहले हीरोइन बुरके में, हीरो लंबी शेरवानी में टकराते थे, किताबें गिरती थी, दोनों किताबों को उठाने के लिए झुकते थे, सर टकराते थे, और फिर मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। आज के जमाने में ये सब चलता ही नहीं है। आज टकराए, दिल मिले, गले मिले और चुमा चुमा दे दे। हाथ दुआ में उठाऊं मैं, बहन की बहारों
कुछ बात समझ में आई? चौधरी साहब का नंबर मोहिने के पास क्यों था? वो चौधरी साहब के बेटे विशाल के साथ गाना गा रही थी। चलो, इसे लड़का पसंद तो आया, आखिर उम्र भी तो हो गई है इसकी। अच्छा, जो कल तक बिल्कुल बच्ची थी आज अचानक उम्र हो गई। जय हो नारी माँ, मैं आपको सल्यूट करता हूँ। अब आप जल्दी से चौधरी साहब से मिलकर शादी की बात कर लीजिए। आखिर हो ना गुड़ दिमाग, कहाँ वो ACP, कहाँ मैं हेड कांस्टेबल, हम दोनों समधी बनेंगे, सर पर पगड़ी बांधकर गले मिलेंगे। शादी की बात कर लो। डैडी? हाँ? किसकी शादी? डैडी, आप शादी करेंगे? माँ, माँ की सौत लाएंगे आप इस घर में? अरे मैं तेरी शादी की बात कर रहा हूँ। ये विशाल के साथ तूने जो विशाल चक्कर चलाया है ना, उसका कुछ आगे पीछे का सोचा है या नहीं? डैडी, मुझे मालूम था कि मेरी प्रेम कहानी में मोड़ जरूर आएगा, इसलिए मैंने अपने डायलॉग पहले से तैयार कर लिए हैं। डैडी, प्यार अंधा होता है, वो छोटे बड़े ऊंच नीच का फर्क नहीं देखता। और फिर मम्मी, ये तो हर लव स्टोरी में ऐसा होता है। सेठ करोड़ी मल की बेटी राधा हमेशा छोटे दर्जे के किशन से ही प्यार करती है। मम्मी, आपने वो सावन को आने दो पिक्चर देखी है? नहीं बेटी, मैंने तो एक ही फिल्म देखी है, मदर इंडिया। और इसीलिए आप मदर इंडिया जैसे हो गई हैं। डैडी, आपने इन्हें रोमांटिक फिल्म क्यों नहीं दिखाई? आप तेरी फिल्म देख रही है ना, तेरी स्टोरी जो भी हो उसका दी एंड जूनागढ़ में होने वाला है। किया आपने, उसका मतलब समझते हैं आप? सुनिए, जाने दीजिए, आखिर बच्चा है। तुम चुप करो, तुम भी कसूरवार हो इसे इस हद तक पहुंचाने में। डैडी, जिस गाड़ी से वो बूढ़ा आदमी कुचलकर मर गया, ये वही आदमी जिसे मैंने पुलिस स्टेशन के बाहर मारा। उस आदमी के हाथ में एक रिवॉल्वर भी था, लेकिन उसे पुलिस नहीं पकड़ पाई। एक खूनी सड़कों पर सड़ेआम घूमता रहा, और आपकी पुलिस से किसर? तुम पुलिस को उसका काम मत सिखाओ। तुम्हें मेरी रेपुटेशन, मेरे नाम का कुछ ख्याल है कि नहीं? आपको कितना ख्याल है डैड, हमारा और इस घर का मुझे पता है। विशाल, मां मुझे बोलने दे। डैड, आपको ख्याल सिर्फ अपने नाम और अपने पहचान का है। देखो, देखो इस तस्वीर की तरफ, इससे आपका कोई रिश्ता है कि नहीं? ये आपका बड़ा बेटा विकास चौधरी, 2 साल पहले पुलिस को उसकी कुचली लाश मिली थी, जिसे एक्सीडेंट करार करके पुलिस ने उस केस से छुटकारा पा लिया। बोलिए डैड,
अगर ये एक्सीडेंट था तो पुलिस अब तक उस कार उस ड्राइवर का क्यों नहीं पता लगा सकी? वो वैसे भी कैसी पुलिस, कैसा कानून? जब पुलिस कमिश्नर को खुद अपने बेटे की मौत का इंसाफ नहीं मिला तो भला एक आम आदमी को क्या इंसाफ मिल सकता है? वो तेरा भाई बाद में है, पहले हमारा बेटा है। ये बाप है उसके, जा, चला जा यहाँ से। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं आपकी मुश्किल समझती हूँ, आप इसकी बात नहीं। रेवती, विशाल ठीक ही कह रहा है। ये सच है कि मैंने काफी हद तक अपने आप को इस घर से काट लिया है। वक्त ही कहां दे पाता हूं मैं तुम्हें। इस शहर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कुछ गुंडा ताकतें हमारे कानून और व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। मैं बोलता तो रहता हूं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन सच तो यह है रेवती कि सब कुछ हाथों से छूटता जा रहा है। मैं इतना उलझ गया हूं कि अपने बेटे की मौत तक को भुला चुका हूं। चौधरी साहब सलाम। मुलाकात तो मैं आपसे ऑफिस में भी कर सकता था, मगर आप जानते हैं कि मैं अपने मामले कानून के दायरे के बाहर निपटाता हूं। अच्छा किया खान जो दायरे के बाहर मिले हो, वरना इतनी बात कहने का मौका नहीं देता। चौधरी साहब, आपके बेटे ने सरेआम हमारे आदमी को मारा है, उसने अपनी गुंडा ताकत दिखाई है। देखो, मुझे पता है कि उसने किस आदमी को और क्यों मारा है। हाँ हाँ, जिसे मारा है वो पादरी या पुजारी तो है नहीं, खूनी है, खूनी। तो निकाल दो उसके नाम का कागज, निकाल दो। मैंने तो कभी पुलिस को रोका नहीं, क्यों? और कोर्ट में गवाही अकेला विशाल ही तो देगा ना। आप चलिए। खान, मेरे साथ कुछ कानून की बंदिशें हैं, वरना तुम जैसों को तो गोली मार देनी चाहिए, भून देना चाहिए मशीनगन से। हाँ, ख्याल अच्छा है चौधरी साहब, लेकिन एक बात समझ लो, ऐसे ख्याल जब आते हैं ना तो समझो अपना बुरा टाइम आ रहा है। तुम्हारे दिन अब भर गए हैं खान। मेरे हाथ तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत ना भी लगे, लेकिन जिस दिन तुम मेरी बर्दाश्त की हद को छू गए, उस दिन मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम्हें अपने मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। चलो। खान का दिल बोलता है कि तुम्हारे साथ कोई फसाना जरूर बनेगा। डैडी, शट अप। और तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी शादी हो जाएगी मेरे बेटे से? मुझे तो यह सब देवकी नंदन शर्मा का किया धरा लगता है। डिपार्टमेंट में तो तरक्की हो नहीं पाई उसकी, और अब मेरे बेटे से शादी करवाकर मेरा समधी बनना चाहता है। मेरा समधी, एसीपी का समधी, हेड कांस्टेबल। मैं उसकी ट्रांसफर करवा दूंगा, जूनागढ़ भेज दूंगा उसे, जूनागढ़। मैं जूनागढ़ नहीं जाऊंगा, मैं जूनागढ़ नहीं जाऊंगा, मैं जूनागढ़ नहीं जाऊंगा। ये क्या हो गया है आपको? सोते जागते हर वक्त जूनागढ़ जूनागढ़ करते रहते हो। मुझे तो ये कोई भूत प्रेत का चक्कर लगता है। मौलवी साहब से मिलकर तावीज बनवा लो। अरे तावीज बनवा लो अपनी बेटी के लिए, बुला उसको, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई सुबह सुबह, आज बहुत खुश नजर आ रही थी। खुश नजर आ रही थी? हाँ, और कोई गाना भी गुनगुना रही थी। गाना गुनगुना रही थी? कौन सा गाना? प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है,
प्यार दीवाना हो गया। क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। अब तक तो लेटर भी टाइप हो चुकी होगी। भगवान ही बचा सकता है मुझे। ए भगवान, ये आठवां सोमवार है, आठवां। यहाँ के बारे में लोग कहते हैं कि सात सोमवार आने से मनोकामना पूरी हो जाती है। मैंने सोचा चलो आपसे एक सोमवार की भूल चूक हो सकती है, इसलिए आज फिर से आई हूँ। और मैंने कौन सा आपसे मोटर गाड़ी बंगला या हीरे जवाहरात मांग लिए? मैंने तो सिर्फ अपना प्यार मांगा है। क्या तुम मुझे अपना नारी की आंचल में इतना सा सुख नहीं डाल सकते? देखो अभी तक तुमने सिर्फ मेरी भक्ति देखी है, मेरा गुस्सा नहीं देखा। अगर मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो मैं इस चौखट पर अपना सर पटक पटक के हाँ तो मैं इस मंदिर में सर पटक पटक के जान दे दूंगी। मैं तो मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। और ये जो बेसन के लड्डुओं का भोग लगता है ना, अरे तरस जाओगे एक एक लड्डू के लिए। हाँ बस बस बस, और कितना धमकाओगी इन्हें? क्या बात, क्या है? बहुत नाराज हो भगवान से? वो क्या है माजी, मैं आपको माजी बोल सकती हूँ ना? हाँ हाँ। कहानी ये है माजी कि मुझे वो हो गया है, वही जो हर किसी को इस उम्र में हो जाता है। क्या? वही जो बॉबी में डिंपल को हुआ था और पाकिजा में मीना कुमारी को। क्या बेटी? प्यार माजी, प्यार। माजी मुझे किसी से प्यार हो गया है, ये बात सच है ना? कि प्यार एक मंदिर है, प्यार एक पूजा है, सच है ना माँ? बिल्कुल सच है। आपने भी ये पूजा की होगी ना माँ? आप ध्यान यहाँ रखिए, मुझे लगा आप फ्लैशबैक में जाने वाली हैं। हाँ तो मैंने प्यार करके कोई गुनाह तो नहीं किया ना माँ? नहीं, कोई गुनाह नहीं किया। हाँ यही तो मैं कह रही थी डैडी से, वो बोलते हैं कि मेरी शादी उससे नहीं हो सकती, वो लड़का हमारी हैसियत से बहुत ऊंचा है ना। माँ जी क्या प्यार हैसियत और ऊंच नीच देखता है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। यही तो मैं कह रही थी, क्या मैं आपके कंधे से टिक सकती हूँ? हाँ हाँ श्योर। वो क्या है माँ जी, ऐसे मौके पर रोने के लिए एक कंधे की सख्त जरूरत होती है। माँ जी एक भारतीय नारी अपने मन में एक ही बार किसी की तस्वीर बिठाती है ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर मैं कैसे किसी और से शादी कर सकती हूँ? आखिर मैं तो एक भारतीय नारी हूँ ना। हाँ लेकिन वो लड़का है कौन? एसीपी चौधरी साहब का बेटा है, वो विशाल है नाम उसका। मेरे डैडी हेड कांस्टेबल हैं, देवकी नंदन शर्मा। वो कहते हैं कि शादी नहीं हो सकती, मगर माँ जी ये डिपार्टमेंट का मामला नहीं, दिल का है। तुम्हारा केस तो भाई बहुत ही सीरियस है, मेरे घर चलो सब ठीक हो जाएगा। बिना शक्कर के? मुझे दो चम्मच शक्कर चाहिए। बहू है हमारी। अच्छा अच्छा, बहू कैसी लगी? है तो खूबसूरत। मैं मांगे हुए कपड़ों में हमेशा अच्छी लगती हूँ। लेकिन ये कब और कैसे हुआ? विशाल की पसंद है, अपनी देवकी नंदन जी की बेटी है। अच्छा अच्छा, देवकी नंदन, देवकी नंदन शर्मा जी, वो अपने हेड कांस्टेबल जी। हाँ इसे मैंने तो बहुत छोटी में देखा हुआ। हाँ जी हाँ, गोद में खेली हूँ, आपके पिताजी बता रहे थे। चलो, विशाल ने बहुत बड़ा काम किया, हमारा काम आसान कर दिया, मगर है कहाँ वो? अबे उल्लू के पट्टे, हमारी बहू को अब तक छुपा कर क्यों रखा हुआ था हमसे? चलिए अब इस शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। क्यों, आप देवकी नंदन जी से मिलकर बात कर लीजिए। हाँ मैं करूं भी तो क्या करूं, उसको समझाओ, इसको समझाओ, और बेटी आए।
शर्मा जी। यस सर। इधर आइए, जरा आपसे बात करनी है। मुझसे सर? हाँ हाँ, आप आइए इधर बैठिए, आगे नहीं पीछे बैठिए। पीछे? हाँ ड्राइवर, हेडक्वार्टर जाएंगे हम। चलो मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी देवकीनंदन जी कि आप ऐसे निकलेंगे। लो हो गई बदली, हो गया ट्रांसफर। हाँ बस हो गया ही समझो। सर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन वो समझती नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ। मैंने उसको कहा भाई, मैं कहा आप कहा, मैंने उसे कितना डांटा गाली दी। खबरदार जो उससे कुछ कहा तो वो हमारे घर की बहू बनने वाली है। बहू? तब तो हम संधि बन गए। कहाँ से करूँ मैं प्यार शुरू, तुरुरु 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 तुरु, करने न दूँ मैं प्यार शुरू। तुरुरु 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 तुरु, कहाँ से करूँ मैं प्यार शुरू, कोई जगह न खाली है काजल कहीं पे लाली। अरे कोई जगह न खाली है काजल कहीं पे लाली, तू ही बता मुझे मैं क्या करूँ।
मन्ना शेट्टी ने अपने एरिया से हफ्ता उठाकर मेरी हुकूमत पर हाथ डाला है। आज तीन पत्ती, कल गोलवाड़ी और फिर काली चौकी, हर जगह घुसना चाहेगा वो। ये मामला 10,000 का नहीं, नाम के वजन का मामला है। ये बाबा खान मन्ना शेट्टी वजन, वजन का मतलब जानता है तू? ये पैसा मैं अपने आदमी से भिजवा सकता था, लेकिन मैंने सोचा अभी टाइम आ गया पॉइंट टू पॉइंट, फेस टू फेस टॉक करने का। खान भाई, ये हफ्ता इसीलिए वापस करने आया हूँ कि इस शहर में पहला टाइम हम तुमको सेट बोला, इस शहर में पहला रोटी और 7 फीट जमीन तुम्हारी मेहरबानी से मिला। उसी मेहरबानी का नतीजा दे रहा है मुझे तू। शेट्टी, जब मैं तुझे पाल रहा था ना, मुझे पता नहीं था कि एक दिन तू ही मुझे काटेगा। खान भाई, अपने धंधे में लोग पाले नहीं जाते, रिवॉल्वर के माफिक रखे जाते हैं। तुमसे मिली रोटी के लिए मैंने भी कितनी बार मौत को फेस टू फेस किया। कल तक धंधे में सब मोमेंट मेरा और नाम तुम्हारा, आज नाम भी मेरा मोमेंट भी मेरा। मेरे एक ही एरिया पे हाथ डालकर तू समझने लगा कि मेरी बराबरी पर आ गया तू। शेट्टी, एक दिन देखना तुम्हें फिर मेरे नाम का पट्टा अपने गले में बांधना पड़ेगा। अभी मेरी गर्दन के लिए तुम्हारा पट्टा छोटा पड़ेगा खान भाई। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारा तख्ता ऐसे पलट सकता हूं, ऐसे। लेकिन पॉलिटिक्स और क्राइम में अपोजिशन नहीं तो मोमेंट नहीं। खान भाई, एक बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, हमारे धंधे में जो भारी पड़ता है वही हुकूमत करता है। पुन्नू, इसके एक एक आदमी को चुन चुन कर मारना शुरू करो। खेल की शुरुआत करने के लिए तूने मजबूर किया मुझे शेट्टी। अपने आदमियों को गिनकर अभी से उनको दफनाने के लिए जगह और जलाने के लिए लकड़ी का बंदोबस्त कर लो। खान भाई, मुर्दे का मुंडन कर देने से वो हल्का नहीं हो जाता, दो चार आदमी को मारने से मन्ना शेट्टी का मूवमेंट ब्लॉक नहीं होता। खबरदार चुको हिला दो। मैं चाहूं तो तुम्हारा मूवमेंट अभी ब्लॉक कर सकता हूं, लेकिन एक दिन खान पर उठने वाला वार तूने खुद पर लिया था। आज तेरी जिंदगी बख्श कर मैंने वो कर्जा उतार दिया है, और फिर तेरा जिंदा रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैन टू मैन और पावर टू पावर का मतलब भी तुम्हें समझाना है। हेलो।
हेलो, जरा कमिश्नर साहब को दीजिए। जी वो सो रहे हैं। रात को देर से आए। कहाँ गए थे? वो किसी पार्टी में गए थे। ओह, बहुत थक गए होंगे ना। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ये ऑपरेशन मुश्किल जरूर है, मगर हम कामयाब होंगे और हमारी कोशिश यही होगी कि हम उन्हें जिंदा पकड़ सकें। पुन्नू जाड़िया ने अपने बयान में इन्हीं लोगों के नाम लिए हैं। ये नहायत खतरनाक और शातिर मुजरिम हैं। बैरिकेड 7 और 11 से हवलदार सालवी और पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग चंबूर के इस हिस्से में छिपे हुए हैं। विजय। यस सर। पूरी नाकाबंदी के बाद इस एरिया की तलाशी शुरू कर दो। राइट सर। सारे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, दुकानें, क्लब्स, जुए खाने, सब जगह अच्छी तरह से छान मारो। क्या पोजीशन है अब? सर, जिस जगह की हमें खबर मिली थी वहां पे ताला लगा हुआ है। विजय सिंह। यस सर। तुम गुप्ते के कांटेक्ट में रहो। यस सर। और मुझे 7-3 और 2 की रिपोर्ट देते रहो। ओके सर। तोड़ दो ये ताला। यस सर। मिस्टर चौधरी, ये छोटी सी बात नहीं है, ये सब आपके जोश और नासमझी का नतीजा है। मुझे पता है ये सब क्या हुआ है, मुझे पता है। और माफ कीजिए, मैं अपना काम आपसे बेहतर जानता हूं। मिस्टर चौधरी, आवाज मत दबाइए मेरी, मत दबाइए मेरी आवाज। पूरा शहर खून खराबे और दहशत में डूबा हुआ है। आज एक आदमी को घर लौटने में देर हो जाती है तो उसके घर वाले उसकी जिंदगी के लिए दुआएं मांगते हैं। यह आपके लिए शान की बात होगी, लेकिन मेरे लिए शर्म की बात है, क्योंकि मुझे अपनी ड्यूटी और अपनी पोजीशन का ख्याल है। आप जब अपने घर में रात के नशे का खुमार उतार रहे थे तो मैं अपने सिपाहियों के साथ उनकी गोलियों का सामना कर रहा था। मुझे यह नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे फंक्शन पर जाकर बहादुर बच्चों की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए थी, और आपको ब्यूटी पार्लर में जाकर वहां का उद्घाटन करना चाहिए, आपको फिल्मों के प्रीमियर पर जाकर हीरो हीरोइन की बगलों में घुसकर तस्वीरें खिंचवानी चाहिए। मिस्टर चौधरी, ये सब मेरे पर्सनल मामले हैं। आपको मालूम नहीं है कि ऑपरेशन फ्लॉप हो जाने की वजह से आप कितना नुकसान उठा सकते हैं। तो क्या कर लेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा मेरी ट्रांसफर करवा देंगे ना? तो करवा दीजिए ट्रांसफर, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। सर, इकबाल खान की डेथ हो गई है। क्या?
हौसला रखिए, हमारी सारी पुलिस फोर्स आपके दुख में शामिल है। मिस्टर चौधरी, नो फोटोग्राफ प्लीज। मिस्टर चौधरी, ऑपरेशन में पुलिस के नाकाम होने की क्या वजह हो सकती है? क्या चार अपराधियों को पकड़ने के लिए 20 लोगों की पुलिस फोर्स क्या कम पड़ गई थी? क्या उनके पास आपसे ज्यादा अच्छे हथियार थे? आप जवाब चाहते हैं तो मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। इकबाल को जब गोली लगी तो आप उससे कितनी दूरी पर खड़े थे? क्या मतलब है तुम्हारा? मिस्टर चौधरी, क्या ये सच है कि उनकी गोलियों से डरकर पुलिस भाग खड़ी हुई थी? देखो देखो गौर से ऐसे। तुम क्या समझते हो कि 1419 रुपए और 70 पैसे की नौकरी के लिए इसने अपनी जान दी है? नहीं, ये अपनी ड्यूटी को अंजाम देता हुआ मर गया। क्यों क्यों तुम्हारे कैमरे की आंख ये सब कुछ नहीं देख पाती? तुम्हें सिर्फ हमारी कमियां दिखती हैं, हमारी कुर्बानियां नहीं। पूछो बच्चे से, पूछो क्या खोया है इसने, पूछो इसकी बीवी से क्या खोया है इसने, अरे पूछो इसके बूढ़े बाप से क्या खोया है इन सब लोगों ने। तुम सब लोगों को सिर्फ बातें बनानी आती हैं। सॉरी, सांस लीजिए। मिस्टर चौधरी, आपको इस कंडीशन में किसी भी तरह का तनाव लेना नहीं चाहिए, आपको कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। ऐसा भी क्या हो गया है मुझे? आप डॉक्टर लोग भी बस कुछ माना भी कीजिए ना, जब डॉक्टर खुद कह रहे हैं। अच्छा तो मैं चलता हूं। थैंक यू डॉक्टर। हेलो, हाँ विशाल, पापा को देना। जी एक मिनट, पापा आपका फोन। हेलो विजय है सर। हाँ बोलो विजय। सर मेरा शक सही निकला, ठाकुर उन लोगों के साथ मिला हुआ है। आर यू श्योर? जी हाँ सर, उस दिन के ऑपरेशन में हम नाकाम इसलिए हुए थे सर, अचानक मेरे सामने आया और अपराधी को भागने का मौका दे दिया उसने। उसे तुमने कहाँ रखा है? इस वक्त यही है सर, मेरे ऑफिस में। ठीक है, तुम उसे मेरे ऑफिस में ले आओ, मैं अभी पहुंचता हूँ। राइट सर। ऐसी हालत में आपका जाना क्या बहुत जरूरी है? हाँ रेवती। डैड, जब डॉक्टर अंकल ने आपको मना किया हुआ तो आप क्यों जाके उधर? नहीं बेटे, ऐसे वक्त में मैं बिस्तर कैसे पकड़ सकता हूँ? सारे शहर की नजरें टिकी हुई हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट पे। अच्छा रेवती, कहाँ है वो? सामने। प्लीज सर, सर मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो सर, प्लीज सर मुझे माफ कर दो। तुमने हमारे डिपार्टमेंट को वो दाग दिया है जो खान जैसे सैकड़ों सिपाहियों का खून भी नहीं धो सकता। प्लीज सर मुझे माफ कर दो सर। पुलिस की वर्दी की तौहीन की है तुमने, खून किया है उसकी मर्यादा का। सर मैं आगे सर। इसे हॉस्पिटल ले जाओ। तेजाब साले। शरद जी, माल घोड़ा अंदर रखवा दो। ठीक है खान भाई। बोलो डॉक्टर। देखिए मैं उसकी जान नहीं ले सकता, मैं डॉक्टर हूं, खून खून नहीं कर सकता मैं। ऐसे ही ना डॉक्टर विकास चौधरी ने बोली थी मुझे, पुलिस को पंचनामे के लिए उसकी लाश के टुकड़े बटोरने पड़े थे। विकास को तुमने? हाँ उसको मैंने मरवाया था। तुम ठाकुर को मारोगे डॉक्टर, नहीं तो तुम्हारी लाश का पंचनामा भी मैं करूंगा और पोस्टमार्टम भी। देखिए देखिए मेरे 15 साल के करियर का क्या होगा, ये बात खुल गई तो मेरी नौकरी। देखो डॉक्टर, तुमने अगर ठाकुर को नहीं मारा तो मेरे एक इशारे पर मेरे आदमी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा डॉक्टर, छिनाल वो होती है जो पकड़ी जाती है,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ठाकुर की मौत तुम्हारे हाथों नहीं, चौधरी के मारने से होगी। हेलो हेलो बॉम्बे टाइम्स, हाँ मैं प्रेस रिपोर्टर सक्सेना बोल रही हूँ। एक हेडलाइन नीचे कल के इशू के लिए, एसीपी चौधरी ने जिस सब इंस्पेक्टर को पीटा था उसकी डेथ हो गई है हॉस्पिटल में। एसीपी चौधरी के हाथों इंस्पेक्टर की मौत। अरे पहले चौधरी, खा गया ना मेरे मरद को, मार डाला ना तूने उसे। औलाद, तुमने क्यों ऐसा किया, बोला क्यों किया, तुमने अपने सीने पर गोली क्यों नहीं खाई, क्या तुमने मेरे सुहाग को जाना, बोला क्यों, कैसे पालूंगी मैं अपने बच्चों को, कैसे कहां से लाऊंगी मन के लिए खाना, क्या करूंगी मैं, बोला क्या करने दो नैनों को।
सांसों में है गीत मिलन के, सांसों में है गीत मिलन के, धड़कन ले अंगड़ाई, सांसों में है गीत मिलन के, धड़कन ले सोच रहे विशाल? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं सोच पा रहा हूं, सब कुछ देख रहा हूं, पता नहीं आगे और क्या क्या देखना पड़ेगा। सब सब ठीक हो जाएगा विशाल, अंकल घर आ जाएंगे और सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। ये बात मैं अपने आप को क्यों नहीं समझा पा रहा हूं, मुझे क्यों लगता है कि जैसे कि किसी लड़ाई की शुरुआत है ये। विशाल हाँ, ऐसा लगता है किसी रेतीली ढलान पर मैंने अपना पांव रख दिया और मैं ढसता जा रहा हूं, ढसता चला जा रहा हूं, ढसता जा रहा हूं। चौधरी ने जब ठाकुर के ऊपर हाथ छोड़ा तब और कौन कौन लोग थे वहां, उनके बयान? उन सबके बयान में भी ठाकुर के पीटे जाने की बात है सर, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी मौत की वजह उन चोटों को ही बताया गया है। हाँ। डॉक्टर गोखले, ठाकुर की मेडिकल रिपोर्ट तैयार किया आपने? यस सर, वो पेपर्स मैंने इस फाइल में फाइल कर दिए हैं। मिस्टर ठाकुर को ऐसी कोई बीमारी थी ही नहीं। ऐसे चौधरी की तबीयत कैसी है अब? उन्हें हॉस्पिटल में कुछ दिन और रखना पड़ेगा। गुड इवनिंग सर, शेट्टी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो शेट्टी, क्या बात है? सर, एक गुंडे के हाथ एक गुंडा मारता है तो बात समझ में आती है, एक पुलिस वाला पुलिस को मार डाले ये बात समझ में नहीं आई सर। हाँ मगर इस मामले में तुम्हें सर खपाने की क्या जरूरत है? नहीं सर, नहीं कुछ भी नहीं, शहर में इस मोमेंट पर बहुत चर्चा चल रहा है, नजर रखना पड़ता है ना सर, पुलिस वाले हम पे नजर रखते हैं, हम पुलिस वाले पे, अगर हमारे लायक कोई सर्विस है तो बोलना साहब। यस, मैं मिस्टर चौधरी से मिलना चाहता हूँ। देखिए हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं, उनसे कोई नहीं मिल सकता। क्या बात कर रहे हैं आप, मैं उनका बेटा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखिए अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं आपको अरेस्ट भी कर सकता हूं, इसलिए हेलो विशाल, कैसे आना हुआ? अंकल मुझे डैडी से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? तुम समझते नहीं हो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें अस्पताल में रखा गया है, और डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें किसी से न मिलने दिया जाए। देखो बेटे, ठाकुर की मौत ने उनकी दिमागी संतुलन को काफी सदमा पहुंचाया है। ठाकुर की मौत एक हादसा भी तो हो सकती है। अगर मिस्टर चौधरी इस केस से बच जाते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, और हमारा डिपार्टमेंट भी एक बड़ी बदनामी से बच जाएगा। बदनामी? तुम खुद को परेशान मत करो, एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ विशाल? वो ठीक तो है ना? और कितने दिन रखेंगे उन्हें हॉस्पिटल में? मुझे डैडी से मिलने नहीं दिया गया माँ। क्यों? तुम देसाई से मिलकर बात तो करो विशाल। मिला था देसाई साहब से, उन्हें उन्हें डैडी की फिक्र नहीं, अपने डिपार्टमेंट की फिक्र है।
कह रहे थे सब ठीक हो जाएगा। माँ मुझे तो कहीं कुछ ठीक होता नजर नहीं आ रहा, सब कुछ उलझता जा रहा है। पता नहीं कौन क्या करना चाहता है डैडी के साथ। आप बोलिए खान भाई, क्या करना है चौधरी का? मैं इस केस को दोनों तरह से लड़ सकता हूं, समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? चौधरी को ठाकुर के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद भी दिलवा सकता हूं, और उसे कोर्ट में पागल भी साबित कर सकता हूं। बस आप बोलिए करना क्या है। इस केस में किसके मुंह से क्या बुलवाना है, कौन से दफ्तर से क्या चाहिए, मुझे सब बता दो। मैं कोर्ट के बाहर का संभालता हूं और तुम कोर्ट के अंदर का। चौधरी का इस हॉस्पिटल में पूरी तरह से ख्याल रखो डॉक्टर। मैंने फाइल देखी है, इस केस में मुश्किलें तो कई हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। कुछ भी कीजिए वकील साहब, कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। आपका बड़ा एहसान होगा हम पर। खान बोल रहा हूं। ठीक है मैं देख लेता हूं। देखिए इस केस में कुछ हो नहीं सकता, यह केस बहुत ही कमजोर है। मैं क्या, कोई भी वकील इस केस में हाथ नहीं डालना चाहेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप तो कानूनी तरीकों से वाकिफ हैं, यही तो पेशा है आपका। फिलहाल उन्हें छुड़ा लीजिए, फिर केस लड़ लेंगे हम। इन दिनों उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, घर पर रहेंगे तो उनकी देखभाल ठीक से होगी। मैं हाथ छोड़ती हूँ आपके। नहीं मम्मी, नहीं। देखिए मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे माफ कीजिए। चल माँ चल, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता यहाँ। हेलो, कौन हो तुम? आई एम पीटर डिकोस्टा। आपके पास शेक्सपियर की कोई बुक होगी क्या? शेक्सपियर कोई बुक? आप देखे ना, मैं आपको पढ़ के लौटा दूंगा। आप गलत जगह पे आ गए हैं, जाइए। खैर छोड़िए, मेरी जबान बहुत साफ है, isn't it? My speech is very very good. क्या लगता है आपको मेरी बातचीत से मैं पीटर डिकोस्टा हो सकता हूं? नहीं नहीं, दरअसल मैं पीटर डिकोस्टा हुई नहीं, यूसुफ खुर्रम हूं, यूसुफ खुर्रम नाम है मेरा। हवलदार कामत, सो रहे थे क्या? जाओ जाकर किसी को बुला कर लो, इन्हें सही जगह पर लेकर जाए। सिगरेट आप ये ब्रांड नहीं पीते? ओ, मैं आपकी माचिस इस्तेमाल कर लूं? थैंक यू। मेरी सिगरेट नीचे गिर गई है, चलो मुझे। मेरी सिगरेट कहाँ है, मेरी मेरी सिगरेट कहाँ है, कितनी महंगी सिगरेट आती है मेरी सिगरेट। ले जाओ इस पागल को। छोड़ो ना मुझे, छोड़ो 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 मुझे, मेरी सिगरेट मिल जाए तो रूम नंबर 10 में भिजवा देना प्लीज, मेरी सिगरेट नीचे रखिए ना। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उसे खून नहीं चढ़ा तो वो मर जाएगा। डॉक्टर क्यों सर खा रही है आप, जब खून का इंतजाम होगा तभी चलेगा, बैठ जाइए आप। डॉक्टर साहब मेरा बच्चा मर जाएगा, उसे बचा ली।
लीजिए। ओ क्या पागल औरत है आप, बैठ जाइए। डॉक्टर ये कोई तरीका है बात करने का? इन्हें अच्छी तरह से समझाइए ना। देखिए आप बैठ जाइए, ये इंतजाम कर रहे हैं, बैठिए। मिस्टर चौधरी मैं आपके इन लोगों से इंट्रोडक्शन करवा दूं, डॉक्टर रस्तोगी, डॉक्टर गुप्ते, डॉक्टर सहाय और बिल्कुल आपके सामने डॉक्टर खान। हेलो, आप लोगों ने क्या तमाशा बना रखा है? ये आदमी तो कल पागल बनकर मेरे कमरे में घुसा था। डिकोस्टा, डिकोस्टा से खुर्रम और खुर्रम से डॉक्टर खान बन गया। रिलैक्स मिस्टर चौधरी, रिलैक्स, पानी लीजिए। मुझे नहीं चाहिए पानी। लेकिन मिस्टर चौधरी अभी तो आपने पानी पीने के लिए मांगा था। मैंने कब मांगा पानी? आपने कॉफी के लिए मना कर दिया और कहा पानी चाहिए। What nonsense! मैंने कहा ना कि मैंने पानी नहीं मांगा। और कॉफी मुझे कब दी गई? देखिए मिस रुबीना अभी भी कॉफी लिए आपके पीछे खड़ी है। ये औरत कल इस डॉक्टर के साथ झगड़ा कर रही थी अपने बच्चे को खून दिलाने के लिए। ये सब क्या हो रहा है? क्या मुझे पागल बनाने की कोशिश की जा रही है? मेरा तमाशा बनाया जा रहा क्या? मैं आप में से किसी को नहीं बख्शूंगा। आप सब लोग इस साजिश में साझेदार हो। यह आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ठीक नहीं होगा। बॉयज इन्हें इनके कमरे में ले जाओ। शट अप, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं कहता हूं मुझे ये इंजेक्शन नहीं चाहिए। मैं इसके बगैर भी सो सकता हूं। छोड़ो। ये क्या हो रहा है सब? छोड़ दो, छोड़ दो इन्हें। तुम्हें मालूम नहीं है कौन? कमिश्नर साहब, चौधरी साहब। सलाम चौधरी साहब। खान, तू? हाँ मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम्हारे साथ कोई फसाना जरूर बनेगा। ठाकुर को अस्पताल में मैंने मरवाया। क्या तूने खून करवाया ठाकुर का? हाँ, तुम्हें बड़ा फक्र था ना अपने कानून पर। अब उसी कानून से बाबा खान तुम्हारी सही पहचान कराएगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कानून का हर मोहरा मेरे इशारों पर चलता है। कोर्ट में सिर्फ इतना ही साबित नहीं होगा कि ठाकुर का खून तुमने किया है, बल्कि तुम सरफिरे और पागल हो यह भी साबित हो जाएगा। बाबा खान, छोड़ दो मुझे। बस तुम्हारे इसी गर्म खून ने तुम्हें तबाह कर दिया चौधरी। मैं चाहता तो तुम्हारे बड़े बेटे की तरह तुम्हें भी, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं, लंगड़े घोड़े की तरह बिठा देना चाहता हूं। मेरे बेटे का खूनी तू है? तूने मेरे बेटे को मारा? हाँ, मेरे कहने पर मन्ना शेट्टी ने गाड़ी के नीचे कुचला था उसे। मैंने मरवाया था उसे भी। तुम्हारी तरह सच्चाई के फंदे में गर्दन देने का बड़ा शौक था। एक झूठी रिपोर्ट तैयार करनी थी, इनकार कर दिया उसने। हरामजादे, तूने मेरी जिंदगी, मेरा कैरियर सब तबाह कर दिया। मैं तुझे चौधरी, तुम्हारी सेहत तुम्हें गुस्सा करने की इजाजत नहीं देती। इंजेक्शन दे दो इसे, इन्हें आराम की जरूरत है। और कल तुम्हें कोर्ट में भी तो जाना है। तेरा अंत आ गया है खान। कानून के कुछ लोग खरीद लेने से तू कानून की सच्चाई को नहीं मार सकता। कानून की छत के नीचे सच्चाई का एक कोना हमेशा महफूज रहता है। तेरी जीत की खुशी बहुत दिन तक नहीं टिकेगी खान। तू सुन रहा है ना खान? सुन रहा है ना खान? Thank you.
पिछले 25 सालों से निहायत ईमानदारी से मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं योर ऑनर। मैंने अपने फर्ज की खातिर कभी अपनी जान तक की परवाह नहीं की। पीसीओ बार अपनी जान को जोखों में डालकर मैंने खतरों का सामना किया है। ये देखिए योर ऑनर, देखिए ये गोलियों के निशान उस बात का सबूत है। मिलोर, देखना यह नहीं है कि मिस्टर चौधरी ने अपने 25 सालों के करियर में अपने डिपार्टमेंट के लिए क्या अच्छा किया है। माना कि इन्होंने कुछ सराहनीय काम किए हैं, अपनी वीरता और साहस की कुछ मिसालें भी पेश की हैं, लेकिन ये उस दौर की बातें हैं जब इनकी दिमागी हालत बिल्कुल दुरुस्त थी। मगर अफसोस, पिछले कुछ सालों से जब से इनका बड़ा बेटा एक हादसे में मारा गया, इनका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। ये झूठ है, गलत है, मेरे डैडी को फंसाया जा रहा है। आप बैठ जाइए प्लीज, अदालत की कार्रवाई में दखल मत दीजिए। प्लीज। मिलोर्ड, एक तरह से मिस्टर चौधरी के हाथों सिर्फ एक इंस्पेक्टर की मौत हो जाने से पुलिस डिपार्टमेंट एक बड़े कलंक, बड़े नुकसान से बच गया, वरना इससे बड़ा भी कोई हादसा हो सकता था। मैं कहता हूं ठाकुर मेरे हाथों से नहीं मरा योर ऑनर। मैं अदालत को कुछ और भी बातें बताना चाहता हूं। मगर मिलोर्ड, पहले भी मिस्टर चौधरी से छोटी मोटी हरकतें होती आई हैं जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन पिछले दिनों बिना किसी ठोस प्लानिंग के अपने 20 जवानों को लेकर मिस्टर चौधरी एक पब्लिक प्लेस पर खतरनाक अपराधियों से भिड़ गए, और इस ऑपरेशन के बारे में इन्होंने कमिश्नर मिस्टर देसाई से भी सलाह मशवरा करना ठीक नहीं समझा। यही नहीं मिलोर्ड, उस भीड़ भरे इलाके में इन्होंने गोली भी चलाई जिससे आम पब्लिक में से दो लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई जिनका इलाज चल रहा है, और तो और इस हादसे में नौजवान कांस्टेबल खान को भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। इनके जुनून की इंतहा तो तब हुई मिलोर्ड जब इन्होंने एक और सब इंस्पेक्टर ठाकुर को पीट पीट कर मार डाला। जब ये ठाकुर को पीट रहे थे तो इंस्पेक्टर शर्मा वहां मौजूद थे। मैं उन्हें बतौर गवाह बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। इंस्पेक्टर शर्मा, जिस वक्त मिस्टर चौधरी ठाकुर को बेरहमी से पीट रहे थे आप मौजूद थे वहां? जी हां, मैं मौजूद था, लेकिन ठाकुर को इतना नहीं पीटा गया जिससे उसकी मौत हो जाए। मुझे तो ठाकुर की मौत की कोई और वजह लगती है। आपको लगता क्या है ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, आपने देखा क्या है वो बताइए। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, तो ठाकुर को जब इस हद तक नहीं पीटा गया था तो फिर उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो आप मानते हैं ना कि उसकी हालत देखकर आपको भी लगा कि उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। जी, अब आप जा सकते हैं। मिलोर्ड, मैंने अदालत के सामने सारे हालात रख दिए हैं और मिस्टर चौधरी की मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी पेश कर दी है जिसे डॉक्टर ठक्कर ने तैयार किया है, जिसके अंदर बस बहुत हो गया, ये नाटक बंद करो, ये सब बंद करो। मिलोर्ड, ये रिपोर्ट झूठी है, ये डॉक्टर ठक्कर भी झूठा है, बिका हुआ है, ये सब बिके हुए हैं। मुझे उस अस्पताल में लगातार पागल बनाने की कोशिश की गई। एक ही चेहरे को दो तरह से मेरे सामने पेश किया गया। पहले आधी रात को मेरे कमरे में पागल आता है और फिर दूसरे दिन उसी पागल को डॉक्टर खान बनाकर मुझसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एक औरत अपने बच्चे के लिए खून मांगती है, वो डॉक्टर से झगड़ा करती है और दूसरे दिन वही औरत नर्स बनकर मेरे सामने आती है। ये सब मुझे पागल बनाने के तरीके नहीं, यही है वो औरत। मिलोर्ड, यही है वो औरत, इस बार वकील बनकर आई है। मिलोर्ड, मिस्टर चौधरी की ये हरकत अदालत के लिए सबसे बड़ा सबूत है। ये लॉयर मिसेस गुप्ता को नर्स बताते, हो सकता है ये मुझे किसी मंदिर का पुजारी कह दे और आपको फिल्म एक्टर दिलीप कुमार या धर्मेंद्र। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये आदमी, अब शायद आप ये कहेंगे कि ये हवलदार वही पागल है जो बाद में डॉक्टर बना। हाँ, ये वही है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिलोर्ड, ये सब नाटक है, इस चक्रव्यूह की रचना बाबा खान ने ही की है और मैं उसकी गुंडा ताकत को खत्म करना चाहता था। मैंने सब इंस्पेक्टर ठाकुर पर हाथ इसलिए छोड़ा क्योंकि वो बाबा खान से मिला हुआ था
और हमारे ऑपरेशन के नाकामयाब होने की वजह भी ठाकुर ही था, जिसे बाबा खान ने बाद में अस्पताल में मरवा दिया ताकि वो इल्जाम भी मुझ पर आ जाए। और यही नहीं मिलोर, मेरे बड़े बेटे की मौत के जिम्मेदार भी बाबा खान और शेट्टी हैं। ये बात मैं अपने परिवार की मौजूदगी में कोर्ट को नहीं बताना चाहता था। अब अदालत भी अगर बाबा खान के षड्यंत्र में शामिल होकर मुझे झूठा मानती है तो परेशान किया जा रहा है मेरे पति को। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया अपने फर्ज के लिए, अपनी जान तक को खतरे में डाला कई बार, और आज इन भरी अदालत में इस तरह। मिलोर, अब मैं एक अहम गवाह को पेश करने जा रहा हूं जिन्हें एक जरूरी मीटिंग की वजह से यहां पहुंचने में देर हुई। वो है कमिश्नर मिस्टर देसाई। मिस्टर चौधरी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इस बात का शक आपको कम हुआ? पहले भी कई बार मुझे इनका बिहेवियर कुछ अजीब सा लगा, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे कि इनके बड़े बेटे विकास की मौत के एक हफ्ते बाद ये मुझे किसी फिल्म के प्रीमियर में ले जाना चाहते थे। मैंने सोचा खैर इस हादसे को भुलाने के लिए ये बाहर जाना चाहते होंगे। ये आदमी झूठ बोल रहा है, मेरे डैड को फंसाया जा रहा है। ये देसाई, ये बाबा खान से मिला हुआ है, इसकी बात पर यकीन मत करना मिलोर। देखिए, आप अदालत की मर्यादा को निभाइए, जब आपको बुलाकर पूछा जाए तब आप कहिए। हाँ तो बोलिए मिस्टर देसाई। जी हाँ, एक दिन मेरे घर पर मेरी बच्ची को अपनी करियर की कहानी सुनाने लगा, किस किस शहर से कितने सालों में कितनी बार ट्रांसफर हुआ। मिस्टर देसाई, हो सकता है आपकी बच्ची इनसे बहुत ज्यादा हिली मिली हो, इनकी बातों में दिलचस्पी ले रही हो। मिलोर, मेरी बच्ची सिर्फ 2 साल की है, इसके बाद मैंने इन पर नजर रखना शुरू किया, अपने ऑफिसर्स को आगाह भी किया। कमीने! तू चलता मेरे डैडी से, तू भी खाने का कुत्ता है। सबूत, गवाह और मिस्टर चौधरी की मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित हो गया है कि मिस्टर चौधरी का दिमागी तवज्जुम बिगड़ गया है, लिहाजा सरकारी खर्चे पर किसी अच्छे डॉक्टर की देखरेख में उनका दिमागी इलाज कराया जाए। चौधरी,
बाबू दरवाजा खोल दो। हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है, सब कहते हैं छूट जाएगा वो। कितना गर्व था ना आपको अपनी सच्चाई अपनी ईमानदारी पर। खूब अंजाम दिया आपने अपने फर्ज को। कितने मेडल कितने तमगे जुटा लिए आपने। आप अपनी बहादुरी के इनाम लाते रहे और मैं सजाती रही घर को, अपने घर को, उस घर को जो आज मुझे काटने को दौड़ता है। आपके फर्ज ने मेरा सब कुछ तो छीन लिया। कितना सुख मिल रहा है ना मुझे आज आपकी ये हालत देखकर। विशाल को कोर्ट में वो सब नहीं करना चाहिए था रेवती। आपको अब भी विशाल का गुस्सा करना जायज नहीं लगा? भरी अदालत में आपका मजाक बनाया गया। आपका बेटा जो आज आपके बराबर का हो चुका है वो ये सब कुछ तमाशे की तरह देखता रहता। अगर वो वहां देसाई को मार भी डालता तब भी मैं उसे ठीक ही मानती। मैं उसे ठीक ही मानती रेवती। और कितने इम्तिहान देने होंगे मुझे आपकी पत्नी होने का और कितना भुगतान करना होगा मुझे। आप सारी जिंदगी जिस कानून की दुहाई देते रहे वही कानून आज तहर बनकर मेरी दुनिया में टूट पड़ा। इस तरफ आपको अपाहिज बनाकर इस अंधेरी दुनिया के कोने में बिठा दिया गया और मेरे बेटे को साले पुलिस वाले पे हाथ उठाता है।
मिसेस चौधरी। देसाई, ये मत समझना कि मैं कोई फरियाद लेकर आई हूं तेरे पास। मैं तो तुझे आगाह करने आई हूं कि तेरी बर्बादी का वक्त अब आ गया है, और अगर विशाल मेरा बेटा है, अगर वो मेरा बेटा है, तो तेरी जेल की सलाखें उसके छू भर लेने से तार तार हो जाएंगी, और उसके बाहर निकलते ही तुझ जैसे कई पापियों की जिंदगी के फैसले होंगे। देखिए मिसेस चौधरी, आप हमारी जिंदगी तो तूने आंसुओं के सैलाब में डुबो दी, अब अपनी दुनिया की तरफ इस बढ़ते हुए तूफान को रोक सकता है तो रोक ले। हाँ देसाई, हाँ, मैं रमाकांत चौधरी की पत्नी और विशाल की माँ आज इस जंग का ऐलान करती हूँ।
विशेष सूचना। विशाल चौधरी, जिसे कोर्ट में पुलिस कमिश्नर के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। पुलिस विशाल की गिरफ्तारी के प्रयास कर ही रही थी कि इसी बीच ठाणे मेंटल असाइलम से श्री रमाकांत चौधरी भी भाग निकले। श्री रमाकांत चौधरी पुलिस विभाग में एक उच्च पद पर आसीन थे। पिछले दिनों उन्हें अयोग्य ठहराकर पद से हटा दिया गया। ठाणे मेंटल असाइलम में उन्हें दिमागी इलाज के लिए रखा गया था। विशाल चौधरी या श्री रमाकांत चौधरी के बारे में कोई भी सूचना यदि किसी को मिले तो वो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में खबर करे। सूचना समाप्त हुई। ये लो, बात करो। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, एक पागल कुछ भी कर सकता है। नहीं। पागल खून भी कर सकता है। नहीं। तुम्हें तुम्हारे बेटे के लिए खून चाहिए ना? नहीं चाहिए। तुम्हें तुम्हारे बेटे के लिए खून चाहिए ना? नहीं। तुम अदालत में जाकर वकालत करोगी? मुझे माफ कर दो। तुम जानती हो ठाकुर को किसने मारा था? मुझे छोड़ दो। मुझे उसका नाम बताओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। किसने मारा था ठाकुर को? मैं बताती हूँ, बताती हूँ। अगर चौधरी लॉयर गुप्ता तक पहुंच सकता है तो वो डॉक्टर विवेक को भी ढूंढेगा। चौधरी के हाथ कोई सबूत नहीं लगना चाहिए। डॉक्टर को उड़ा दो। सजा के लायक था सर, और आपने मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बचा ली। अब कोर्ट में मैं बताऊंगा, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि मेरे इन हाथों से ठाकुर को कैसे मरवाया था इन लोगों ने। शायद यही मेरा प्रायश्चित होगा। चौधरी साहब, ये जगह आप दोनों के लिए महफूज नहीं है। क्या क्या देख लिया है जिंदगी में। विकास की चिता देखी, हमेशा तेरी मां की भरी हुई आंखें देखी, और आज तुझे और खुद को भी अपराधी बने हुए देख लिया।
ना जाने और क्या क्या देखना पड़ेगा अभी। डैड, वक्त ने कैसे रौंदा है मेरे अभिमान को। बचपन से मुझे एक ही शौक था, दौड़ने का। हर प्रतियोगिता में दौड़ने के लिए ना जाने मुझमें कहां से शक्ति आ जाती थी। कोई मुझे दाईं ओर से पिछाड़ नहीं सका था और बाईं तरफ से तो मैं किसी को निकलने ही नहीं देता था। लेकिन दौड़कर पहुंचना कहां चाहता था मैं, किस लाइन मार्क को छूना चाह रहा था मैं, आज मुझे समझ में आया कि दौड़ तो मैं अकेला ही रहा था। जिंदगी के 32 साल मैंने खर्च कर दिए इस अंधी दौड़ में, और मिला क्या? अच्छा होता अगर गोली मेरे दिल पर लग गई होती, मर गया होता। लेकिन मुझे तो जिंदा रहना था आज की ये जिल्लत देखने के लिए। बस करो डैड, बस। जलील आप नहीं हुए, जलील हुई है ये इंसानियत, ये सच्चाई। जिल्लत के अंधेरे में आपको नहीं, ईमान को झोंका जा रहा है। आपके नाम की पहचान को कोई नहीं मिटा सकता। मिसाल के तौर पर ये दुनिया वाले आपके नाम को हमेशा याद रखेंगे। हाँ डैड, हमेशा याद रखेंगे आपके नाम को, हमेशा याद रखेंगे। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। अगर वो दोनों जिंदा नहीं पकड़े जाते तो मार डालो उन्हें। मैं तुम लोगों को 24 घंटे की मोहलत देता हूं। अब आप कौन सी बुरी खबर लाए हो? सर, हम लोगों ने मिस्टर चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। यस इंस्पेक्टर विजय सर, सर न्यूज़ तो आपको मिल गई होगी। चौधरी साहब ने लॉकअप में काफी हंगामा मचाया हुआ है सर, आप जल्दी आ जाइए सर। सर मैं आज बहुत खुश हूं सर, मेरे जूनागढ़ का ट्रांसफर परमानेंटली रुक गया, हम दोनों का प्रमोशन होने वाला है सर। यस इंस्पेक्टर शर्मा। सर रिवॉल्वर हमने इनके हाथ से छीन लिया है। गुड, लगता है कि पागल खाने की आबो हवा तुम्हें रास नहीं आई, मगर तुम भूल गए कि बाहर की दुनिया से हमने तुम्हारे सारे तार काट दिए। ये क्या हो रहा है? दरवाजा क्यों बंद किया? अब उन पर तेरी आवाज का रोक नहीं चलने वाला दिशाही, क्योंकि तेरा घिनौना चेहरा उनके सामने बेनकाब हो चुका है। तुम? हाँ मैं। ईमानदारी का एक तमाचा पड़ा तो सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगे देसाई। हाँ पहचाना इसे? ये उन्हीं पापियों में से एक पापी है जिसकी वजह से मेरे डैड को गुनहगार साबित किया गया। पासी पुलिस स्टेशन, क्या मिस्टर देसाई जी? वो बिजी है, वो खा रहे जी, बाद में फोन करेंगे जी, वो तो चांस लेने वाली बात हो गई जी। जी थैंक यू। आ,
एक अदालत हमारी भी देख लो देसाई। आज सारी दलीलें, गवाह और सबूत सब यही पेश होंगे। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो अपने हाथों से मारोगे इसे। मुझे मत मारो, नहीं, मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया देसाई साहब, नहीं, नहीं देसाई साहब, नहीं। इन पेपर्स पर साइन कीजिए देसाई साहब। क्या इनके अंदर? खान और शेट्टी के सभी ठिकानों पर रेड करने के ऑर्डर्स हैं। मैं ये पेपर साइन नहीं करूंगा। साइन तो तुम करोगे देसाई। देखो ये फोटोग्राफ और ये कैसेट, अगर तुमने साइन नहीं किया तो एक घंटे के अंदर अंदर ये फोटो छपेगी, खबर बनेगी कमिश्नर देसाई के हाथों कांस्टेबल गुप्ता का खून। मेरी नौकरी, मेरी इज्जत। तो फिर इन पेपर्स पर साइन कीजिए। अपने चेंबूर और विरार के गोडाउन से सारा माल निकाल दो। लाइसेंस। पीछे चेक करो। जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाओ भाई, जाओ। वो गाड़ी अगला। ट्रक का बहुत बड़ा स्टॉक पकड़ा गया भाई। क्या काम किया पुलिस ने, भरोसा नहीं होता। मार्वेलस जॉब भाई। पुलिस जब अपने पे आती है ना, कुछ भी कर सकती है। जिस्म के सौदागरों के चुंगल से 20 लड़कियों की मुक्ति। पुलिस को अंधेरी इलाके के जहिंद अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 3 से 20 लड़कियां मिली। ये फ्लैट बाबा खान के किसी नजदीकी रिश्तेदार का बताया जाता है। जिसका भी फ्लैट हो, फांसी लगा देनी चाहिए ऐसे लोगों को। पुलिस तो खान के पीछे और शेट्टी के पीछे हाथ धो के पड़ी है। सुना है खान के किसी फ्लैट से लड़कियां भी मिली हैं। अरे ये तो बकवास है, इनको तो पकड़ना ही चाहिए। है ही ऐसे। अब तो खान और शेट्टी के चेहरों से धुंध छट चुकी है ना देसाई साहब। उन दोनों के काले कारनामों का सारे शहर को पता चल चुका है। मेरा ख्याल है कि अब आप उनके अरेस्ट वारंट्स पर सिग्नेचर कर ही दीजिए। नहीं, ये मुझसे मत करवाइए, वो लोग मुझे। साइन कीजिए। सर अगर आप परमिशन दे तो इस मौके पे चाय हो जाए। देसाई साहब चाय लीजिए ना प्लीज। क्या अब तो आप यही कहेंगे, ये तो वही हवालदार है जिसका आपने राम नाम सत किया था। हाँ हाँ, ये वही है। देसाई साहब खेल खेलना हमें भी आता है। 24 घंटे में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का दावा। चेट्टी आज तो मेरी बराबरी पर आ गया। बाबा खान मन्ना शेट्टी बराबर का वजन लगता है। और कानून वालों ने भी अब साबित कर दिया है कि हम दोनों की कीमत एक ही है। खान भाई अब यह वक्त हमारा लड़ने का नहीं है, हाथ मिलाने का है। खान भाई चौधरी और विशाल हम दोनों का मूवमेंट ब्लॉक करना चाहते हैं। और शहर की सारी पुलिस फोर्स भी उनके साथ मिल चुकी है। इसीलिए हमारी यह मीटिंग बहुत जरूरी थी खान भाई। और पुलिस हमारी हुकूमत पर वॉर पावर करे ये तो मैं भी नहीं चाहता। अब क्रिमिनल और पुलिस का फेस टू फेस फाइट होगा। शेट्टी हमारा पहला मूवमेंट इन दोनों की किसी कमजोरी को हाथ में लेने का है। वो कमजोरी है चौधरी की पत्नी और विशाल की मां।
किसान भाई, सड़क पे मेरे भाई का जो खून पड़ा है ना, वो पानी से नहीं खून से ही धुलेगा। चौधरी का एक सिपाही सरेआम सड़कों पर घूम रहा है। इंस्पेक्टर शर्मा, उस टोले का एक और सिपाही जिसने हमारे खिलाफ जंग का ऐलान किया है। पुलिस वाला इतनी रात को सड़क पर अकेला घूमे, मतलब क्राइम वर्ल्ड का रेपुटेशन खतरे में। पहले भी कहा था ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा की मौत के जिम्मेदार आप हैं मिस्टर चौधरी, आप। शर्मा की मौत जिन हाथों से हुई है, उन हाथों को ताकत आप जैसे लोगों ने बख्शी है, मगर एक जाबाज सिपाही की मौत इनकलाब लाती है। डिसाई साहब, शेट्टी और खान की सजा जेल की सलाखें नहीं, मौत है मौत। हेलो चौधरी साहब, पहली बार किसी पुलिस वाले ने हमारी हुकूमत को उखाड़ने की कोशिश की है, इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। खान, तुमने तो मेरे भाई को बचाने का एक भी मौका नहीं दिया, मगर हम तेरे को तेरे पत्नी को बचाने का एक मौका जरूर देंगे। क्या रेवती? हाँ ठीक, 1 बजे तुम्हारी पत्नी को फाउंटेन के चौराहे पे छोड़ेंगे, और तुम बाप बेटे दोनों हमारी गुंडा ताकत का नंगा नाच देख सकते हो। क्या हुआ डैड? माँ ठीक तो है डैड? तेरी माँ ठीक नहीं है विशाल, सिर्फ 1 घंटा बाकी है, चल। डैड, माँ। रेड्डी कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही।
मेरे बेटे को मरवाया था ना, तूने मेरी बीवी की जान ली, मेरी बीवी के हत्यारे। Thank you.
भाई मुझे बचा लो खान भाई। मेरी लाइफ का मोमेंट कभी भी बंद हो सकता है। क्या? उस चौधरी ने मेरे को बम बांध दिया। खान भाई इसे खोल दो खान भाई। खान भाई इसे खोल दो खान भाई, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मर जा, मुझे मरवाएगा तू। खान भाई इसे खोल दो खान भाई। खान भाई मुझे बचा। आगे मत आ। खान भाई मुझे बचा ले। को उन्होंने मेरे ही हाथों मरवाया था। चौधरी साहब निर्दोष है। Suspended, Mr. Desai.